वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल लोबिया की दाल, जिसको रेड बीन्स भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं लाल लोबिया, इसको मैंने धोकर तकरीबन 5-6 घंटे भिगो के रखा था, तब जाके इतनी फूल गई है। जल्दी गल जाती है, अगर अच्छी भीगी भी होगी आपकी दाल तो जल्दी गल जाएगी। मैंने इसको शाम को बनाना था तो इसको मैंने सुबह 11 बजे भिगो दिया था। तो आप ये देख सकते हैं इसको मैंने धोकर भिगो कर रखा हुआ है, रेड बीन्स को, लाल लोबिया की दाल। पानी तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको मैंने स्लाइस में काट लिया, 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, 3 से 4 अदद हरे मिर्चें, हरा धनिया हसबे ज़रूरत फॉर गार्निशिंग, मीडियम साइज ऑनियन कट इन स्लाइस, 3 मीडियम साइज टोमेटो कट इन रफली, 3 ग्रीन चिलीज, फ्यू कोरिएंडर लीव्स फॉर गार्निशिंग, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, क्यूमिंग सीड 1.5 टेबल स्पून, ऑल स्पाइसेस पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, कोरिएंडर क्रश्ड 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 कप, रेड बीन्स, वाटर एज रिक्वायर्ड, ऑनियन, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, क्यूमिंग सीड्स, ऑल स्पाइसेस पाउडर, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, क्रश कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन पाउडर, ऑयल एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप पैन में ऑयल ऐड कर देंगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था क्योंकि इसको गर्म करना था इसलिए। अब आप इसके अंदर अपनी ये ऑनियन ऐड कर देंगे, आपने इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन। अरे देख सकते हैं प्याज मेरी ब्राउन कलर में आना शुरू हो गई है। तो अब मैं ये अपना जीरा ऐड कर दूंगी, 2 मिनट इसके साथ फ्राई कर लूंगी। जैसे ही मेरा जीरा और प्याज थोड़ा सा और कलर चेंज करेगा दोनों, अब मैं ये लहसुन अदरक के साथ 2 मिनट फ्राई कर लूंगी। अच्छा ये देख सकते हैं 2 मिनट मैंने इसको लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट टमाटर के साथ पकाना है कि इसका पानी वो हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा ये देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट किया है टमाटर को तेज़ चूल्हे पे फ्राई, तो ऑयल ऊपर आ गया, टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए। अब मैं उसमें ये अपने तमाम मसाले ऐड कर दूंगी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, ये ऐड करके आप इसको 1 मिनट खाली फ्राई कर लें इन तमाम चीज़ों के साथ। अच्छा ये देख सकते हैं इसको मैंने 1 मिनट फ्राई किया मसाले को। अब मैं इसके अंदर ये दाल ऐड करके 2 से 3 मिनट आप इसको दाल के साथ भून लें, साथ साथ चमचा चलाते जाएं और इसको भून लें 2 मिनट दाल ऐड करके। कुकर में ये दाल तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गलने के लिए लेती है, तो उस हिसाब से आप पानी इसमें रखिएगा, 2 घंटे में ये गलेगी आपकी दाल अच्छी जो आपको गलानी है। तो
डिपेंड करता है दाल के ऊपर कि कहाँ से है, किसकी है, तो हर जगह की दालों का भी एक अलग अलग वो होता है। इसलिए चूल्हा इसका मीडियम रखिएगा, जब आप इसकी भुनाई करें तो चूल्हा मीडियम पे रखिएगा। अच्छा, ये साथ में आप ये अपनी हरी मिर्चें भी ऐड कर दें और एक 1 टेबल स्पून खाली 1 चम्मच हरा धनिया। मिर्चें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें पानी इसका टमाटरों का बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैं आपको बता चुकी हूँ 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड होगा। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, नमक इसी हिसाब से रखिएगा क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो चिकन नमक ऐड करते हुए थोड़ा सा हाथ पे कंट्रोल रखिएगा क्योंकि ज़्यादा होने के बाद कम करना तो मुश्किल है, लेकिन कम के बाद ज़्यादा हो सकता है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद 2 बॉयल आ जाएँ तो उसके बाद आप इसमें मिर्च नमक दोनों चीज़ें चेक कर लें, अपने हिसाब से करके अपना कुकर बंद कर दें। तकरीबन इसको आप 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ के भूल जाएँ, पर ऐसे मत भूलिएगा कि जली जाए। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने इसको 2 से 2.5 घंटे पका लिया। 2 से 2.5 घंटे बनाने के बाद मैंने अभी कुकर ऑन ओपन किया है। ये देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह गल गई है। अब आपने करना ये है, इसको दाल को इसी तरह चमचे से हल्का हल्का इस तरह करके घोट लेंगे, मशीन से नहीं करना, इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। इसके हल्के हल्के दानों को देखें, बहुत अच्छे से दाल हमारी गल गई है। इसने 2.5 घंटे लिए गलने के लिए और बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास गल गई है। इसको इस तरह से आप करके पीस लें हल्के हल्के से, इससे थोड़े से दाने भी रहेंगे और एक लेस आ जाएगा इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हैं। इसके इस तरह से पीसने से और दबा के इसको इस तरह करने से एक लेस पैदा हो जाएगा इस दाल के अंदर, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह मैंने इसको घोट लिया, ये आप खुद चेक कर लें, एक गाढ़ा सा वो आ चुका है इसके अंदर लेस। अब आप इसके अंदर ये अपना चॉप किया हुआ हरा धनिया, गरम मसाला। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।